की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स को ओपन किया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये नंबर दिए हुए हैं, टोटल नंबर्स, ड्यू डेट, इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग दिस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, यूज लम्स वर टू प्रिपेयर द एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ये तफसीलात दी गई हैं, आप इनको गौर से पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं, ये जो जो भी जितनी भी हिदायात दी गई हैं आप काइंडली इनको गौर से पढ़ लें। जो कुछ लिखा हुआ है इसको फॉलो करते हुए हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द फॉलोइंग पैराग्राफ इज़ रिटन इन पैसिव वॉइस, री राइट द पैराग्राफ इन टू द एक्टिव वॉइस। ये पैराग्राफ पैसिव वॉइस में दिया गया है और इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। पैरा इन्होंने ये दिया गया है, मैं वीडियो को ज़रा मुख्तसर करने के लिए अपने मकसद पे ही रहूँगा। इसका नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा आप खुद पढ़ लीजिएगा और एक दो बार इस पैराग्राफ को ज़रूर पढ़ के आप एक दो बार इसको पढ़ लें और समझ लें कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है और हमने इसको चेंज क्या करना है। मैं सिंपली इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, अपने माउस को यहाँ पे ले जाऊँगा, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए सिर्फ इसी पैराग्राफ को जिसको हमने चेंज करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से राइट क्लिक करूँगा अपने माउस से और कॉपी पे आके क्लिक कर दूँगा। कॉपी करके मैंने वर्ड की फ़ाइल ओपन की हुई है, वर्ड में हम एमएस वर्ड में आ जाएंगे। वर्ड में आके हम इधर न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करके जो हमने वो पैराग्राफ कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी का बटन प्रेस करेंगे तो जो आपने कॉपी किया होगा वो इधर पेस्ट हो जाएगा। हम इस सारे को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करेंगे या माउस से ऊपर इस जगह पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा और थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देंगे। एक बार खाली जगह पे आके क्लिक करेंगे और सबसे पहले देखेंगे इस पैराग्राफ में पहला फिक्रा दिया हुआ है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है, नेचुरल डिसेस्टर सच एज फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल इन ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है, इसको हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। उसको सिंपल में चेंज करने के लिए हम वीडियो को मुख्तसर करने के लिए इधर से ही इन अल्फाज को कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइपिंग में, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड काफ़ी स्लो है तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी टाइम वेस्ट कम से कम हो। मैं इसी या हैवी एंड कंटिन्यूस रेन फॉल्स इन ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल सी, क्योंकि कीबोर्ड से ज़रा मेरे लिए ज़्यादा इस वक्त कन्वीनियंट है कि मैं इसको आसानी से कॉपी कर सकता हूँ और नीचे मैंने थोड़ा सा इससे पैराग्राफ से नीचे आके पेस्ट कर दिया। हैवी एंड कंटिन्यूस रेन फॉल्स इन ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिकम काज ऑफ बिकम काज ऑफ हमने कॉमे को, ये जो कॉमास दिए गए हैं इनको सेलेक्ट नहीं करना, इतना हिस्सा हम कंट्रोल सी से सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ये हमारा फिक्रा बन गया है, हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल इन ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकम काज ऑफ नेचुरल डिसेस्टर्स
सच एज फ्लड्स, इसको हम फुल स्टॉप इधर लगा देंगे, और हैवी का एच कैपिटल कर देंगे। ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका। हम अब आ जाएंगे नीचे दूसरे की तरफ। फ्लड कैन बी कॉज्ड बाई हैवी रेन, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स एमंग अदर थिंग्स। इसको भी हमने सिंपल में चेंज करना है, हैवी से हम शुरू करेंगे। इसको भी कंट्रोल सी, और मैं आ जाऊंगा दूसरी लाइन में। इधर आके मैं इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगा। हैवी रेन साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स एमंग अदर थिंग्स। ब्रिंग मैंने लगाया, ब्रिंग फ्लडिंग की बजाय हम सिर्फ यहाँ पे फ्लड लेंगे, फ्लड्स। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हैवी रेन साइक्लोन एंड स्टॉर्म एमंग अदर थिंग्स ब्रिंग फ्लड्स। ये भी हमारा एक सेंटेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हैवी का एच कैपिटल कर देते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है, वाटर रिजर्व्स आर फिल्ड बाय रेन। कंट्रोल सी रेन को किया, कंट्रोल वी। रेन फिल्स वाटर रिजर्व्स, कंट्रोल सी। रेन फिल्स वाटर रिजर्व्स, इधर क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, हम यहाँ पर भी, ये हमारी एक हमारा एक सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो हम यहाँ पर भी कॉमा इस्तेमाल करेंगे। एंड इफ इट रेन्स रिपीटेडली फॉर ए लॉन्ग टाइम, फ्लड्स में भी रिजल्ट फ्राम द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर। इसमें पैसे वैसे को नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ है, ये हम उसी तरह ही सेम उस तरह उठा के नीचे ले आएंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया, रेन फिल्स वाटर रिजर्व्स, एंड इफ इट रेन्स रिपीटेडली फॉर ए लॉन्ग टाइम, फ्लडिंग मे रिजल्ट फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ वाटर। यहाँ तक ये हो गया। दिस ईयर मैनी विलेज इन पाकिस्तान वर वाश्ड अवे बिकॉज ऑफ दिस डिवास्टेटिंग फ्लड्स। कंट्रोल सी किया, डिवास्टेटिंग फ्लड, और यहाँ इसके साथ ही नीचे आके पेस्ट कर दिया। दिस डिवास्टेटिंग फ्लड वाश्ड अवे, सिंपल करने के लिए हम इसको दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वाश्ड अवे, सफा हस्ती से मिटा दिए।
क्या मिठाई? मैनी विलेज इन पाकिस्तान। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और हम दिस ईयर को इधर लास्ट में यूज़ कर लेंगे। दिस ईयर इधर भी फुल स्टॉप लगा देंगे और नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ सिंध एंड नाइबरिंग बलोचिस्तान हैव बिन एडवर्सली अफेक्टेड बाई दीज फ्लड्स। तो इसको भी हमने सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए हम दीज फ्लड्स को लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे, दीज फ्लड्स। दीज फ्लड्स, हम अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा जिसको करते जाएंगे थोड़ा सा उसको बाकियों से नीचे लाते जाएं, ताकि हमें आसानी से पता चलता रहे कि हमने कितना हिस्सा मुकम्मल कर लिया हुआ है। दीज फ्लड्स एडवर्सली इफेक्टेड, इसको लेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। दीज फ्लड्स एडवर्सली अफेक्टेड, किसको अफेक्ट किया? ये हमने लिया द पीपल ऑफ सिंध एंड नाइबरिंग बलोचिस्तान। यहाँ से हम इस हिस्से को ले हमने इस हिस्से को ले लिया, और यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट कर देते हैं। दीज का टी कैपिटल कर देते हैं। अब हमारा ये सेंटेंस बन गया, दीज फ्लड्स एडवर्सली इफेक्टेड दा को भी, दा का टी को स्मॉल लेटर कर लेते हैं। द पीपल दीज फ्लड्स एडवर्सली अफेक्टेड द पीपल ऑफ सिंध एंड नाइबरिंग बलोचिस्तान। ये भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल हुआ। इसको हम दोबारा ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें पता चले कि इतना हिस्सा हमारा मुकम्मल हो चुका है। मैनी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, वाटर सिस्टम, स्कूल्स एंड मैनी अदर फैसिलिटीज हैव बीन डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड बाई दीज फ्लड्स। यहाँ से हम दीज फ्लड्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दीज फ्लड्स डैमेज एंड डिस्ट्रॉय, डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉय किए? मैनी द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, वाटर सिस्टम, स्कूल्स एंड मैनी अदर फैसिलिटीज, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये हमारा सेंटेंस बन गया, दीज का टी, दीज के टी हम कैपिटल कर देते हैं। दीज फ्लड्स डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड मैनी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम्स, स्कूल्स एंड मैनी अदर फैसिलिटीज। हमारा ये सेंटेंस भी पूरा हुआ। इसको हम ऊपर ले जाते हैं।
These affected people have no access to basic necessities such as clothing, shelter, food, and clean drinking water. ये सिंपल ही है, इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है और उठा के नीचे ले आना. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. The country's economic and agricultural health has been badly affected by these catastrophic floods. These catastrophic floods sorry मैं मैंने ऊपर ही पेस्ट कर दिया, उसके नीचे मैंने आना है. कंट्रोल सी. दीज कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स बैडली अफेक्टेड कंट्रोल वी. किसको इफेक्ट किया? द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल हेल्थ. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया. इसको हम दोबारा ऊपर ले जाएंगे. तो ये तकरीबन हमारे ये जो हमने जो दूसरा पैराग्राफ है हम उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे ताकि जो उसमें छोटी मोटी गलतियाँ रहेगी उनको हम हल कर सकें अपने पैराग्राफ में. तो इसमें मैंने ग्रामरली ऐप है वो इंस्टॉल की है, वो मुझे बता रही है कि यहाँ पे जिनके नीचे ये रेड लाइन है कि उनमें वो मिस्टेक्स हैं, इन पे हम माउस पे लेके आएंगे तो ये हमें गाइड कर रहा है कि यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक है वो दुरुस्त कर लें. ये मैंने इनको ऐसे दुरुस्त कर लिया. और यहाँ पर जो आखिरी सेंटेंस है इसका दीज का टी को भी हमने कैपिटल करना है. तो इसको हमने सेव करना है. ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स सॉरी कम्युनिकेशंस एंड सॉफ्ट स्किल्स की एक्सरसाइज हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे.